देश में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर राजनीतिक हथियार तराशने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। मंगलवार को चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने अध्यक्ष सचिन कुंडू की अगुवाई में बेरोजगार रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश स्तरीय अभियान का ऐलान करते हुए पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि युवा कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में इस अभियान को चला जिला स्तर से लेकर हल्का स्तर, हर बूथ, गाँव के कोने कोने तक इस अभियान को लेकर जाएगी। कुंडू ने बताया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष में 2.8% से 10 गुना बढ़कर 8.7% तक पहुंच चुकी है। कुंडू ने बताया कि हरियाणा की कुल जनसंख्या देश की आबादी की कुल 2% है और प्रदेश में 40 लाख परिवार हैं। भाजपा के वादे और इस अनुपात से हर दूसरे परिवार को रोजगार मिलना चाहिए था। सचिन कुंडू ने यह भी बताया कि अन्य युवा कांग्रेसियों ने हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण हेतु टोल फ्री नंबर 8151994411 जारी करते हुए कहा कि इस नंबर के माध्यम से हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को पंजीकृत किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक नेतृत्व की बात है, आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बड़ा मजबूत है। लेकिन जहाँ तक पिछले चुनाव की बात है, आप सही कह रहे हो कि पिछली बार लोगों ने फिर से मौका दिया, लेकिन मैं जो पहले बात कह रहा था, कहीं ना कहीं देश की जनता को बड़ी उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी जितनी बड़ी बड़ी बात रखते हैं, जितने बड़े बड़े वादे करते हैं, कि देश के हर वर्ग को इनसे उम्मीद थी। और दूसरी तरफ चुनाव को चुनावी मुद्दों से हटाकर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, उस दिशा में चुनाव को भटका कर कहीं ना कहीं एक बार फिर देश की जनता को बहकाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं इस बात को भी मानते हैं कि देश की जनता को, जिस तरीके से मैंने कहा आपको कि मोदी जी ने कहा कि मुझे एक मौका और चाहिए, कि हमारी चीज़ें चल रही हैं, लोगों ने एक मौका और दिया, लेकिन अभी भी समय बीत जाने के बाद उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहे। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की बात है, आदरणीय राहुल जी की, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बड़ा मजबूत है। चाहे प्रदेश की बात है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, हमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर लोगों के हितों की लड़ाई लड़ेगी। और आप देखोगे 24 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, चाहे वो लोकसभा की बात है, चाहे प्रदेश की बात है, क्योंकि लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।